नामजुक वांगडू से मिलिए, जिन्होंने भारतीय जवानों के रहने के लिए एक ऐसा टेंट बनाया है जहां जवानों को ठंड से राहत मिल सकती है। सोनम वांगचुक ने भारतीय जवानों के लिए हीटिंग टेंट यानी सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाया है। वांगचुक ने इसका नाम लद्दाख टेंट भी रखा है। इस हीटिंग टेंट का लाभ देश के उन जवानों को मिलेगा जो लद्दाख सियाचिन सीमा पर हाड़ कपा देने वाली सर्दी के बीच हर पल तैनात रहते हैं। उन्होंने ये टेंट लद्दाख के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में ही बनाया है। हालांकि अभी इस टेंट का पहला प्रोटोटाइप गलवान घाटी में बनाया गया है। सोनम वांगचुक के अनुसार ऐसा ही एक प्रोटोटाइप 15 साल पहले लद्दाख के खानाबदोश यानी नोमैड्स के लिए भी बनाया गया था। वांगचुक ने इस कैंप की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। सोनम वांगचुक ने ट्वीट के जरिए टेंट के बारे में कहा कि कल रात तापमान -14 डिग्री था, लेकिन टेंट ने अंदर कम से कम 15 डिग्री तक तापमान बनाए रखा। हैशटैग मीडिया इन इंडिया, हैशटैग मेक इन लद्दाख, हैशटैग कार्बन न्यूट्रल, यानी टेंट के बाहर के तापमान से टेंट के भीतर का तापमान 29 डिग्री ज्यादा था। ये टेंट 10 जवानों को गर्म रख सकता है और इस टेंट के पुर्जों का वजन काफी हल्का है जो 30 किलो से भी कम का है। ये केरोसिन की जगह लेगा और प्रदूषण को भी कम करेगा। हीटिंग टेंट की खास बात यह है कि वो हार्ड कपा देने वाली सर्दी से जवानों को बचा सकता है। दरअसल ये एक सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट है जो सिर्फ सूरज की गर्मी को स्टोर कर टेंट के भीतर गर्मी पैदा करता है। ये टेंट कम से कम 12 से 14 घंटों तक जवानों को रात में कपकपाती ठंड से बचा सकता है। इस टेंट में पानी भी है जो सूरज की रेज को स्टोर करके रात में टेंट को गर्म रखता है, जिससे टेंट को इंसुलेशन में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, सौर ऊर्जा की मदद से हीटिंग टेंट काम करता है और ये पोर्टेबल भी है, यानी पूरा का पूरा टेंट उखाड़ कर कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक टेंट का वजन 30 किलो से भी कम है और ये टेंट पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। उनके इस आविष्कार को लद्दाख का सबसे कारगर आविष्कार माना जाता है। ये आविष्कार स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ लद्दाख का केंद्र बिंदु है। तो वहीं सोशल मीडिया पर लोग हीट टेंट के लिए वांगचुक की काफी तारीफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी सोनम वांगचुक को एक ट्वीट कर उनकी प्रशंसा की। बता दें कि हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचने के लिए सरहद पर तैनात भारतीय जवानों को डीजल, मिट्टी का तेल या फिर लकड़ी जलाकर खुद को ठंड से बचाना होता है। इस वजह से प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही साथ ये कम प्रभावी भी होता है और तेल या लकड़ी जलाते वक्त आग लगने का भी डर रहता है। वहीं सोनम वांगचुक का मानना है कि तेल को जलाने की वजह से 30 करोड़ टन का कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऐसे में ये हीट टेंट प्रदूषण कम करने के साथ साथ जवानों को भी ठंड से बचाएगा। पहले भारतीय जवानों के रहने के लिए रूस और यूरोप से